सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। रेट एनालिसिस कैसे करना है इसका जो है वो स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम जो है आपको एस्टीमेट करना है। पहले वो आप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद जो है वो आपको देखो कि क्या क्या डेटा दिया गया हुआ है और जो डेटा नहीं दिया गया हुआ है उन सभी को जो है वो आपको एज्यूम करके खुद से जो है वो लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है कि आपको जो है वो क्वांटिटी जो है वो एस्टीमेट करना है। ओके, फॉर सपोज़ कि अगर आपका मोर्टर है तो मोर्टर के लिए आपको सिर्फ क्या क्या लगेगा, सिर्फ सैंड लगेगा और आपका सीमेंट लगेगा। ओके, और सनरिसेज आप चाहे तो ले लेना। ओके, उसके बाद जो है वो सिमिलरली अगर आपका कंक्रीट है तो क्या क्या लगेगा, कंक्रीट के लिए आपको जो है वो मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट और सनरिसेज। ओके, यही चीज़ें लगेंगी। उसके बाद जो है वो अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ में आपको जो है वो टेबल प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको फर्स्ट में जो है वो सीरियल नंबर में लेबर फर्स्ट सीरियल नंबर में आपको मटेरियल लिखना है, सेकंड सीरियल नंबर में आपको लेबर लिखना है। लेबर का चीज़ें आपको दी गई रहेंगी और मटेरियल आपको खुद से निकालना पड़ता है। ओके, उसके बाद बात करें तो जो है वो फिफ्थ कॉलम में आपको जो है वो सब कुछ फिल करना पड़ेगा। ओके, जैसे रेट हो गया या फिर अमाउंट हो गया, जो भी आपको निकालना है, यूनिट हो गया, वो सभी आप लिख दो। उसके बाद जो है वो फाइनल आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई एडिंग वाटर चार्जेस, GST, CPUH और टोटल एंड दैट्स इट। ओके, तो आपका जो है वो रेट एनालिसिस हो गया। इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं, तो आप चाहे 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट निकालने का या फिर इन्फोर्समेंट निकालने का, तो इन सभी का जो है वो आप देख लेना कि कैसे निकालते हैं और वैसे ही रेट एनालिसिस कर देना। और आपका जो है वो मीन्स यही स्टेप्स आप हर बार रेट एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो।